हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबिंदा और घरदार टिप्स की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है इसमें मैं बताने वाली हूं आपको दो चीज़ें कि आप किस तरह से अपने घर पर ये चीज़ें बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है, हमारी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से आप ये बहुत ही खूबसूरत रोज़ पेटल देख रहे हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे तैयार करेंगे रोज़ वाटर। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग सीरम अपने घर पर बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रोज़ वाटर को ही यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लेंगे एक कप आपने रोज़ पेटल ले लेना है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक कप ही लेंगे पानी। फिर इन दोनों को आप किसी बर्तन में डाल के आग पे पकने के लिए रख देंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट तक। और जैसे ही रोज़ पेटल का कलर वाइट होने लगे आपने इसको चूल्हे से उतार के स्टेन कर लेना है। तो ये यहाँ पे एक कप हमने यहाँ पे पानी यूज़ करना है और एक कप ही रोज़ पेटल यूज़ करनी है। फिर इनको चूल्हे पे हम पकाएंगे तो रोज़ पेटल का कलर जो है वो बिल्कुल इस तरह से वाइट जब हो जाएगा तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये रोज़ पेटल का कलर वाइट हो चुका है तो हमने इसको चूल्हे से उतार लिया। अब इसको करेंगे हम स्टेन। तो ये हमने स्टेन कर लिया है, हमारा रोज़ वाटर रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग सीरम। तो फ्रेंड्स, हमारा रोज़ वाटर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एंटी एजिंग एंड वाइटनिंग सीरम जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ग्लिसरीन 1/2 चम्मच, हनी 1/2 चम्मच, कोकोनट ऑयल 1/2 चम्मच और रोज़ ऑयल ये भी 1/2 चम्मच। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विटामिन ई कैप्सूल, तो ये हम एक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से आपने हनी और कोकोनट ऑयल और रोज़ ऑयल जो है वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सबकी क्वांटिटी यहाँ पे हम 1/2 चम्मच ही लेंगे। तो ये इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरम तैयार हो चुका है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ रिंकल्स तो आती ही हैं। तो अक्सर के हैंड्स पे जल्दी आना शुरू हो जाती हैं, तो कुछ लोगों के आईज़ के नीचे आना शुरू हो जाती हैं, फेस पे भी आती हैं, अक्सर के नेक पे भी आना शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पे भी रिंकल्स हो या स्किन डल हो तो आप इस सीरम को वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, अब आपने एक खाली बोतल ले लेनी है और इस सीरम को आपने स्टोर करके रख देना है। तो ये मैंने सीरम वाली बोतल में ही इसको डाल दिया है और ये हमारा सीरम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपने इसके चंद कतरे लेने हैं। आप अगर फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जिस जगह पे अप्लाई करना है आपने वहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉप लेना है। जैसे आईज़ के नीचे है तो आपने एक ड्रॉप लेना है इस तरह से और हल्का हल्का आपने मसाज करना है। तो ये हमारा सीरम रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।